रोक ला अमित, पकड़नी पड़ेगी, चढ़ जाएगा सही। सीमा पकड़ घोड़ी जरा, पास खड़ा रहे जरा अमित। हाँ घोड़ी की हाइट है जी 65 and half और अमित की हाइट शायद 4.5 feet होगी मुश्किल से। रुक जा अमित, सेमा चढ़ूगा है घोड़ी पे, टांग घूम के खुली जगह कर लो, रेते में कर लो है। नहीं नहीं कुछ नहीं होता, उन्हें चढ़ जाना, चढ़ जाएगा थापी दे दे बेटा इसको। हाँ ना राधा ना ना बेटा ना, वाह भाई अमित शाबाश। चल अगली छलांग में एक बार में पहुंच ऊपर, एक छलांग में जाओ ऊपर। हाँ ओ शाबाश भैया, आ जा उतर जा, कोई नहीं उतर जा। सेमा लाओ घोड़ी लाओ, इधर रोक लो, इधर ही रोको, रोक ले हो अमित, पास हो जा। सेमा भैया तुम्हारा पूरा नाम बताओ, क्या नाम है? सेमानंद। और तुम्हारा नाम भाई अमित? मेरा नाम अमित। अमित कुमार। सेमा कितने साल हो गए यहाँ फार्म पे? यहाँ तो हो गया साल, 3 साल तो पहले आ गया था। हाँ तीसरा अभी भी चल रहा है। 6 साल तो लगातार ही हो गए, ठीक है। घोड़ों से डर लगा कभी? नहीं लगा। नहीं जी कभी। और सारे बड़े घोड़े संभाले? हाँ जी। कौन कौन से बड़े घोड़े आए फार्म पे बताओ जरा। एक तो अवतार आया था। हाँ इससे पहले संपूर्ण था। हाँ फिर अवतार था, राज राजेश्वर भी आया, राज राजेश्वर आया, फिर आया उसके बाद आया ग्रेट गैम्बलर, ग्रेट गैम्बलर सही है। उसके बाद आया अब ये आ गया अनंता, ये भी मान लो उसी साइज का ही है, एक सही घोड़े है, ये घोड़ी भी उतनी बड़ी है। सेमा कैसा लगा काम घोड़ों में करके बताओ जरा। घोड़े का काम करके तो बहुत खुश हूँ। खुश हो? सही है। और कोई जानवर से कोई कितना भी कैसे भी जानवर है? हाँ कोई डर नहीं है ना? नहीं। डर का कारण क्या, अभी डर क्यों नहीं लगता? डर ऐसे कि पहले डर लगता था, बाद में गिज गया। अभी प्यार से सब को सेट कर लेते हो है ना? सब सेट कर लेते हैं, जो भी कैसे भी जानवर आता है। हाँ सेट हो जाता है, दो होता है तो 2-3-4 रोज तो दिक्कत होता है। हाँ उसके बाद अपना उसमें जानवर प्यार से बाद में मान जाता है ना। हाँ अमित तेरा क्या हाल है? ठीक है जी। मजे आ रहे हैं घोड़ों में? मजे आ रहे हैं जी घोड़ों, घोड़ों में मजे आ रहे हैं बेटा। हाँ जी। तुम्हें डर लगता किसी से? नहीं मेरे को नहीं डर लगता है। अच्छा सेमा एक बात बताओ, जब घोड़ा बीमार हो जाता है, सरदार इधर नहीं होता, तो फिर टीका टल्ला क्या करते हो? टीका टल्ला फोन पर पूछ लेते हैं, वो बता देता है, खुद ले लगा देते हो है ना लाके। सो अब अच्छा दूसरी बात, कोई ज्यादा तनख्वाह भी मिले घोड़ों में काम करना पसंद करोगे के कोई और काम करोगे? नहीं जी सबसे ज्यादा शौक तो हो गया घोड़े, घोड़े का ही है। अच्छा कभी कभार बैठते हो ऊपर घोड़े के? हाँ कभी कभार, हमेशा नहीं बैठते। वो तो चलो काम करने वाले आदमी को टाइम ही नहीं मिलता हमेशा बैठने का ना। हाँ जी कभी काल बस, वो भी जो देखते हैं कि ये बैठाने वाला है उसी पर बैठते, शरीफ घोड़े पे बैठते हो। चलो ठीक है सेमा भैया, थैंक यू तुम्हारा। ये है जी हमारे फार्म की जान और शान और रीढ़ की हड्डी सेमानंद और अमित कुमार। कितना भी महंगा घोड़ा हो, कितना भी अड़ियल घोड़ा हो, ये दोनों भाई हमारे घोड़े को संभालते हैं जी, घोड़े की केयर करते हैं, घोड़े की मालिश करते हैं, इनको दाना देते हैं। इस फार्म पे परम गिल स्टड के ऊपर हमेशा 8 से 10 घोड़े रहते हैं, कई बार 7 हो जाते हैं।
ये 7 घोड़ों की फैसिलिटी है और उसकी रीढ़ की हड्डी ये दोनों लोग ही हैं। पिछले 3 साल से अमित और सेमानंद दोनों ही हमारा घोड़ा कोई भी हो, शो में जाने वाला, फोटोग्राफी वाला, ये कभी माथे पे शिकन नहीं डालते और कभी मैंने इनको किसी घोड़े को मारते हुए नहीं देखा कि गुस्से में आए और मारे। कई बार हम लोग तो गुस्सा करते हैं कि घोड़ा ऐसे क्यों कर रहा है, मगर ये दोनों लोग बड़े प्यार से घोड़े को संभालते हैं। धन्यवाद है जी इन दोनों का।